जो चीज फिलहाल इंटरनेट में सबसे ज्यादा चल रही है वो है मेरे पास जो है ये है आईफोन 16 जो कि ये अभी अभी लॉन्च हुआ है गाइस। वो हमारे पास आ चुका है, मतलब हमारे पास आ चुका है मतलब हम तो कुछ ना कुछ करने वाले हैं ना उसको। और गाइस इस फोन के साथ आज कुछ भी हो सकता है, इसको भी नहीं पता। मुझे इस फोन पर थोड़ी दया आ रही है, लेकिन क्या कर सकते है, हम है आदत से मजबूर। और आज पहले हम इस आईफोन 16 को अनबॉक्सिंग करेंगे, फिर उसके बाद इस फोन को हम करने वाले हैं हार्ड फ्रीजिंग टेस्ट यानी कि डीप फ्रीजिंग टेस्ट। इस फोन को ऐसा जमा देंगे और जमा के पटक देंगे, उसके बाद देखेंगे क्या ये इतना ठंडा टेम्परेचर में बच पाएगा या फिर नहीं बच पाएगा। चलो देखते हैं, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। चलो सब लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर दबा देना। तो भाई आप सबको तो पता ही है कि आईफोन ये 16 है जो कि पहले वाला आईफोन 15 आता था वो क्रॉस आता था। अभी वो लोग ऐसा सैमसंग की तरह कॉपी किया है, अब का सब आईफोन आ रहा है ना सैमसंग के जैसे ही कॉपी कर रहा है सभी। तो भाई आप लोग देख सकते हो कि ये ब्लू कलर में है जो कि क्या मस्त कलर लग रहा है। हम लोगों के MRP पड़ी है लगभग 80,000 की, मतलब 79,900 की हम लोगों के ये आईफोन 16 पड़ा है। चलो गाइस फटाफट इस आईफोन को अनबॉक्सिंग करते हैं। चलो अब आईफोन 16 को अनबॉक्सिंग करते हैं। कलर को देखो क्या मस्त लग रहा है। एप्पल कैलिफोर्निया सील को ओपन करते हैं। चलो बॉक्स को ओपन करते हैं। तो ये है हमारा आईफोन 16, क्या मस्त लग रहा है ना भाई। इसका कैमरा तो देखो सेम सैमसंग के जैसा कॉपी किया है ये लोग। आपका सभी आईफोन जो आने वाला है ना सभी सैमसंग के तरह ही कॉपी करने वाले है सभी। मुझे तो लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है ये फोन। ये अंदर कुछ केबल वगैरह दिया हुआ है, तो चलो देखते हैं अब इसका कैमरा टेस्ट करके। तो गाइस ये है कैमरा इसका इसी फोन से शूट हो रहा है। तो गाइस ये फोन को हम डीप फ्रीजिंग करने वाले हैं, क्या ये फोन बच पाएगा हमारे से। तो गाइस चलो इस फोन को करते हैं डीप फ्रीजिंग टेस्ट। तो ये उठाते हैं हमारा डब्बा है जो कि है इसमें पानी भर के हम करने वाले हैं इस फोन को डीप फ्रीजिंग टेस्ट। तो गाइस फटाफट से जल्दी पानी ले आओ, पानी भरो इसमें। तो गाइस अब हम ये नल से पानी भर के करने वाले हैं डीप फ्रीजिंग टेस्ट। तो गाइस जल्दी से पानी भरो इस। तो गाइस पानी भर रहा है, आप लोग देख सकते हो कि जल्दी से पानी भर रहा है। फुल 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 पानी भरो इसमें। तो गाइस मैं जब पानी लेने जब नीचे गया था ना तभी अचानक बारिश शुरू हो गया, इसलिए मुझे घर पर आके वीडियो शूट करना पड़ रहा है। तो गाइस फाइनली मैं ये डब्बा में पूरा पानी भर के लाया। ये डब्बा में आईफोन डाल के टेस्ट करते हैं क्या वो बच पाएगा या नहीं। ए यार पूरा पानी गीला हो जा रहा है इधर। तो चलो गाइस हार्ड फ्रीजिंग टेस्ट करते हैं, क्या पानी में डालने से ये आईफोन जिंदा रहेगा या फिर डेड हो जाएगा। चलो टेस्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं क्या ये जिंदा बच पाएगा या फिर नहीं। अरे यार ये तो वर्क हो रहा है। तो गाइस ये अभी वर्क हो रहा है, क्या ये आईफोन जिंदा रह पाएगा 48 घंटा फ्रिज में रखने से। हार्ड डीप फ्रीजिंग टेस्ट करने वाले हैं हम इसको, क्या ये जिंदा बच पाएगा। तो चलो देखते हैं। पानी इस पे ओवर हो गया है तो थोड़ा पानी नीचे गिरा देते हैं हम लोग। तो गाइस ये हम मोच रहे हैं इस डब्बा को, वो फाइनली हम मोच दिए है। क्या इस पर आईफोन जिंदा बच पाएगा 48 घंटा डीप फ्रीजिंग टेस्ट करने से। तो चलो गाइस देखते हैं। तो गाइस ये है हमारा ये फ्रिज जो कि मेरे दादा परदादा जो कि वो सभी लोग यही फ्रिज यूज करते आ रहे हैं, जो कि मेरे पापा भी अभी यूज कर रहे हैं तब से लेकर अब तक। ये अब तक भी एक बार भी सर्विस के लिए नहीं गया, मतलब इतना हार्ड मटेरियल है, पुराने जमाने का है ना इसलिए बहुत ही हार्ड मटेरियल है। बहुत दिन से यूज कर रहे हैं मेरे दादा परदादा सभी लोग ये यूज कर रहे हैं, आज हम भी ये फ्रिज यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एक दिन तक भी सर्विस के लिए नहीं गया ये अभी तक, मतलब एक बार भी खराब नहीं हुआ। तो गाइस ये फ्रिज में हम हार्ड डीप फ्रीजिंग टेस्ट करने वाले हैं आईफोन को। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। अरे यार ले आओ यार आईफोन को। तो गाइस फाइनली हम आईफोन को ले आए हैं। तो गाइस अब हम ये 48 घंटा फ्रिज में रखने वाले हैं, हार्ड डीप फ्रीजिंग टेस्ट करने वाले हैं हम। तो चलो गाइस इस 100 साल पुराना वाला फ्रिज में ये आईफोन को रखते है। तो गाइस बहुत ही ठंडा है। अरे मम्मी इसमें क्या क्या रख दिया यार, अब इसको मैं कैसे स्टोर करूं अंदर, इतना बड़ा डब्बा है ये। अरे क्या करूं यार, फिर को मुझे हटाना पड़ेगा ये सब। चलो यार दूध को निकालते हैं, दूध वगैरह पूरा रख दिया मम्मी ने इसमें। तो गाइस फाइनली हम डीप फ्रीज को पूरा खाली कर दिए हैं, तो चलो अब रखते हैं इसको। तो गाइस फाइनली हम इस आईफोन को डीप फ्रीज में स्टोर कर दिए हैं, अब चलो वेट करते हैं 48 घंटा। 48 घंटा हम ये आईफोन को निकाल के हम करने वाले हैं इसका टेस्ट, क्या ये जिंदा बच पाएगा। तो चलो देखते हैं 48 घंटा बाद। तो गाइस फाइनली 48 घंटा होके कंप्लीट हो चुका है, अब बारी है क्या आईफोन जिंदा है या फिर डेड हो गया।
तो चलो गाइस देखते हैं क्या आईफोन जिंदा है या फिर डेड हो गया। तो गाइस चलो, तो गाइस ये है हमारा फ्रिज जिसमें मैं आईफोन को डीप फ्रिज हार्ड टेस्टिंग के लिए 48 घंटा छोड़ा हूँ। तो गाइस 48 घंटा बाद मैं अब खोल रहा हूँ इस फ्रिज को। तो गाइस चलो देखते हैं कि आईफोन जिंदा है या फिर डेड हो गया। तो गाइस ये डीप फ्रीजर में मैं रखा हूँ इसको। ओ गाइस इधर देखो कितना आइस भर के, पूरा आइस भर गया है इसमें। ये तो बहुत ही हार्ड वाला डीप फ्रीजिंग टेस्ट होगा। ये है देखो, ये आइस है, ये आइस पूरा भर गया है इसमें। तो गाइस एक एक करके आइस को पिघला कर हम निकालने वाले हैं अब इस डब्बा को। चलो निकालते हैं पहले। तो देखो माय गॉड, इसको देखो कितना बड़ा आइस जम गया है। पहले इसको हटा देते हैं, पहले सारा दूध को हटा देते हैं, फिर हम निकालने वाले हैं डब्बा। तो गाइस ये है हमारा डब्बा जिसमें मैं आईफोन को स्टोर करके रखा हूँ। क्या ये जिंदा है, चलो देखते हैं। तो गाइस ये है हमारा जो बॉक्स जिसमें मैं आईफोन को रख के इस डीप फ्रीजर में रखा था, हार्ड डीप फ्रीजिंग टेस्ट कर रहा था जिससे मैं। तो गाइस चलो इसको खोलते हैं और देखते हैं कि आईफोन जिंदा है या डेड हो गया। मुझे तो लगता है ये शायद मर गया होगा, शायद ये पूरा डेड हो चुका होगा। आप देख सकते हो कैसा जम गया है पूरा ये। तो चलो खोलते हैं। वाटर लीकेज के कारण मैंने इसको टेप डाला था। तो गाइस चलो टेप को खोलते हैं पहले। अब बहुत ठंडा है गाइस, क्या करें, वीडियो के लिए इतना मेहनत तो करना पड़ेगा ना, तभी जाके आगे बढ़ेंगे। मैं इस बॉक्स को खोल रहा हूँ, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस फाइनली हम टेप को खोल रहे हैं। मुझे तो लगता है आईफोन ये डेड हो गया है, लेकिन चलो देखते हैं क्या ये जिंदा है या फिर डेड हो गया। तो गाइस ये है डब्बा। वाओ इतना आइस जम गया है इसके अंदर, कैसे इसको निकाले बाहर, ऐसा करके निकालते हैं। चलो 1 2 3 गाइस ये नहीं आ रहा है गाइस, पानी पूरा घर में टपक रहा है। तो गाइस अभी हम ये आइस को, वाओ पूरा आइस को मैंने निकाल दिया है इसके अंदर से। ये देखो ये है फोन, इधर से लाइट से दिख रहा है। इसको अभी पूरा पिघलाना पड़ेगा मुझे। तो गाइस इसको पिघलाने के लिए क्या करें हम, तो चलो ट्रक में पानी लेके उसमें डाल के तो निकालते हैं चलो आईफोन को। तो गाइस ये ट्रक में हम आईफोन को, तो गाइस ये ट्रक के अंदर पूरा पानी है, इसमें हम इस आइस को पूरा पिघलाने वाले हैं। तो गाइस चलो पिघलाते हैं। तो गाइस ये है पूरा आइस जो इसमें डाल रहा हूँ मैं अभी। तो गाइस पूरा आइस को मैंने इसमें डाल दिया है, अभी ये धीरे धीरे करके पिघल रहा है, बहुत ही ठंडा है गाइस। चलो निकालते हैं इसको, ऐसे निकले यार, ये तो पूरा पानी से भर रहा है। इसको अभी पिघला रहे हैं हम धीरे धीरे करके, पिघल रहा है। ये पिघलने में कितना टाइम लगेगा यार, हमको तो पता नहीं। चलो निकालते हैं धीरे धीरे करके, मेरा हाथ पूरा ठंडा हो गया है गाइस, ऐसे करूं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पानी पूरा ऊपर बढ़ रहा है गाइस, मेरे मम्मी मुझे आके मार डालेगी, घर पूरा गीला कर दिया है मैंने। ये ऊपर का थोड़ा पोर्शन चला जाएगा तो पूरा फोन बाहर आ जाएगा गाइस। तो गाइस ये पोर्शन को निकालते हैं धीरे से। गाइस ये निकाल दिया है मैंने, अभी फोन की बारी है। ये है फोन पूरा बाहर आ चुका है बाहर से, धीरे से भी थोड़ा पिघला के फोन को पूरा बाहर निकाल दे। गाइस ये फोन को तो देखो गाइस, निकल ही नहीं रहा है यार, करे तो क्या करे। पानी पूरा ठंडा हो चुका है, मेरा हाथ पूरा ठंडा हो गया है गाइस। गाइस ये नहीं आ रहा है, क्या करे गाइस, मुझे तो बहुत ठंड लग रहा है गाइस, क्योंकि ये पूरा इस गड्ढा मुझे ठंडा कर दिया है। गाइस फाइनली फोन आ चुका है बाहर, गाइस फाइनली फोन आ चुका है बाहर। इसके इधर कैमरा के अंदर थोड़ा पानी गया हुआ है, स्पीकर चार्जिंग पोर्ट अंदर के पूरा पानी से इस गड्ढा से भर गया है गाइस। तो गाइस चलो देखते हैं इसको ऑन करके। गाइस ये अभी भी चल रहा है, इसमें 10% बैटरी है अभी तक। इसका स्पीकर को अब थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। चलो गाइस साउंड भी आ रहा है गाइस, लेकिन पूरा फोन तो पूरा अच्छा है, इधर कुछ स्क्रैचेस वगैरह कुछ नहीं हुआ, फोन तो पूरा अच्छा है, लेकिन इधर ही थोड़ा चार्जिंग पोर्ट और इधर स्पीकर में थोड़ा पानी गया हुआ है। मुझे लग रहा है गाइस
स्पीकर ही थोड़ा गया हुआ है, अब बाकी पूरा अच्छा है। थोड़ा ये भी शायद दो या तीन घंटे बाद चलने लग जाए ठीक से, क्योंकि पानी अंदर गया हुआ है ना इसलिए। गाइस फाइनली हार्ड डीप फ्रीजिंग टेस्ट में आईफोन अभी तक भी जिंदा है गाइस, इसको कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी, मतलब ये स्पीकर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हैट्स ऑफ टू आईफोन, बट दिस इज गुड मटेरियल यार। 48 घंटे से ऊपर हम इसको हार्ड डीप फ्रीजिंग टेस्ट करे थे, फिर भी ये अभी तक जिंदा है। थोड़ा स्पीकर ही थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, शायद 2-3 घंटा बाद ये भी चलने लग जाए ठीक से। तो गाइस ये था हमारा हार्ड डीप फ्रीजिंग टेस्ट, ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।